हेलो स्टूडेंट, मैं नीतू कुमारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय नीतू मैम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह का फ्लावर डिज़ाइन कोरल ड्रॉ में कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को रिक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना और इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तो हम लोगों को शेप टूल सिलेक्ट कर लेना है और इसका आप एंगल जिस तरह से चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो पिक टूल को सिलेक्ट करना और यहाँ पे देखिए कि स्क्रॉप्ड कॉर्नर का एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। तो इसका जो आपका शेप का डिज़ाइन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को सेंटर पार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कि आपको रोटेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसको हम लोग को क्या करना है, तो लेफ्ट क्लिक से होल्ड किए रहना है और इसका रोटेशन चेंज करते वक्त हम लोग को राइट क्लिक कर देना है। तो शेप हमारा क्या हो जाएगा, रोटेशन चेंज होकर डबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को यही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस आर। तो ये हमारा एक डिजाइन बन जाएगा, ये देखिए, कंट्रोल आर प्रेस करते रहना है। ये देखिए हमारा डिजाइन बन चुका है। तो आप इस तरह से और भी फ्लावर डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।